तो देखो 4 मई 2023 को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में तैर रही एक पैसेंजर याच पर अचानक से 3 किलर व्हेल्स हमला कर देती है। याच के टुकड़े करते हुए उसे तोड़कर खाने लगती है। हमला इतना घातक था कि 10 से 15 मिनट में ही याच डूब जाती है। और ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि जून 2022 में भी स्पेन की कोस्ट के पास 5 पैसेंजर से भरी सेल बोट एंड नवंबर 2022 में 4 पैसेंजर्स वाली सेल बोट पर इस तरह के घातक हमले हुए हैं और किलर व्हेल्स द्वारा उन बोट्स को डुबा दिया गया। ये एनकाउंटर कितने डरावने हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपकी 10 से 12 मीटर बड़ी एक बोट पर 8 से 9 मीटर बड़ा क्रिएचर अपनी पूरी फोर्स के साथ हमला कर रहा है। एक ऐसा क्रिएचर जो ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे घातक प्राणियों को भी मारकर उनके लिवर खाने और जिंदा ब्लू व्हेल की जीभ चबाकर उसे मारने के लिए मशहूर है। साल 2021 में 197 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे, जबकि साल 2022 में इन हमलों का ये नंबर बढ़कर 207 तक पहुंच गया था। और लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स अब बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पहले ये जिब्राल्टर नॉर्दर्न स्पेन के कुछ स्पेसिफिक रीजन तक ही सीमित थे, पर अब किलर व्हेल्स द्वारा इंसानों पर इस तरह के हमले दुनिया के अलग अलग रीजन्स में भी सुनने को मिल रहे हैं। पर आखिर किलर व्हेल्स इंसानों पर अचानक से हमला क्यों कर रही है, और ऐसे 8 मीटर बड़ी किलर व्हेल्स अपने से ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ी ब्लू व्हेल्स का शिकार कैसे करती है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। A pod of killer whales, orcas or killer whales. A full-grown orca rams a boat off the Spanish coast. Killer whales के नाम से मशहूर इन जीवों को orcas कहा जाता है, जिनको उनका नाम अंडरवर्ल्ड के गॉड एंड चैंपियन ऑफ डेथ कहे जाने वाले समुद्री देव और साइनस ऑर्का से मिला है, जो एक लैटिन वर्ड है। ऑर्काज समुद्र के हर जीवों का वो बुरा सपना है जिसे वो दोबारा देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समुद्र के ये शातिर शिकारी छोटी मछली, सील्स, 50 से 60 फीट लंबी हमबैक व्हेल्स, ग्रेट व्हाइट शार्क एंड इवन पूरी अर्थ हिस्ट्री के सबसे बड़े जीव द ब्लू व्हेल का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। एंड इनके शिकार करने के तरीके इतने ज्यादा यूनिक और स्कैरी है ना कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीकन टाउन गैंसबाई के पास करीब 20 डेड ग्रेट व्हाइट शार्क पाई गई, जिनके पेट में एक बड़ा सा प्रिसाइज कट था जहां से उनका लिवर मिसिंग था। एंड समुद्र में एक ही शिकारी है जो इतनी प्रिसाइज तरीके से शार्क का शिकार करके उनका न्यूट्रिशन से भरा लिवर निकाल के खा लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो है ऑर्काज। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये काम इस कोस्ट के पास रहने वाली 2 ऑर्का का था, जिन्हें वैज्ञानिकों ने पोर्ट और स्टार बोर्ड नाम दिए हैं। लेकिन अगर आपको ये बात शॉकिंग लग रही है ना, तो अभी आपने इन प्रेडिटर को ज्यादा अच्छे से नहीं जाना, क्योंकि जिस तरह से ये अपने से ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ी ब्लू व्हेल्स का शिकार करते हैं, वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक और डरावनी है। मार्च 2019 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट की एक टीम को 12 ऑर्कास के एक ग्रुप की ब्लू व्हेल पर अटैक की खबर मिली। अब जब वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कई ऑर्कास मिलकर एक ऑलमोस्ट 70 फीट लंबी अडल्ट ब्लू व्हेल पर वायलेंटली हमला कर रही थी। इस हमले से व्हेल के फ्लैंक ऑर्कास के शार्प दांतों से ऑलरेडी कट चुके थे, यहां तक कि चेहरे पर लगातार हो रहे हमलों के कारण इस ब्लू व्हेल का चेहरे का मांस बाहर निकला हुआ था। बट स्टिल ब्लू व्हेल अभी भी जिंदा थी। लेकिन तभी एक ऑर्का सीधे उसके मुंह के अंदर की ओर एंटर करती है और उसकी जीभ चबाकर खाना शुरू कर देती है। और हाँ, अब ये ब्लू व्हेल जिंदा थी, पर इस दर्दनाक मंजर के करीब 1 घंटे बाद तड़पते हुए ये व्हेल दम तोड़ देती है। अब ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इसी तरह की एक घटना साल 2019 में कैलिफोर्निया में भी रिपोर्ट की गई। और इसके अलावा टाइम टू टाइम इस तरह की घटना देखी जाती रही है, कहीं ऑर्काज अडल्ट ब्लू व्हेल एंड उनके बच्चों तक का शिकार करती है। दोस्तों, पानी में रहने वाले जीवों में ऑर्काज इकलौते ऐसे शिकारी है जो ब्लू व्हेल्स का भी शिकार करती है। ऑलमोस्ट 11% ब्लू व्हेल्स का कभी ना कभी सामना इन शिकारी ऑर्कास से हुआ ही होता है, जिनके निशान आपको इन व्हेल्स के चेहरे और फिन्स पर ऑर्कास के दांतों के मार्क्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, सरप्राइजिंगली ऑर्कास के अलावा ना ब्लू व्हेल्स की ओर और कोई भी आंख उठाकर नहीं देखता।
पर आखिर कैसे? तो देखो, अपनी 7 से 8 मीटर हाइड्रोडायनामिक सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ पानी में 56 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तैरने वाली ऑर्काज काफी इंटेलिजेंट जीव है, जो ग्रुप में शिकार करती है, जिनके पास शिकार करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स एंड प्लान्स होते हैं, एंड इन्हें पता है कि कब किस तरह से एक्ट करना है। नाउ फॉर एग्जांपल, जब ये किसी ब्लू व्हेल पर अटैक करते हैं तो पूरा हमला मेजरली 4 स्टेप्स में होता है, जिसमें पहले शिकार को चुनने के बाद अब ग्रुप की मेंबर ऑर्काज उसके चारों ओर तैरना शुरू कर देती है और उस व्हेल के फिन्स, टेल और जॉ पर अपने शार्प दांतों से छोटे हमले करने लगती है, जिससे कि उस व्हेल की तैरने या फिर कहूं कि बचकर भागने की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में ग्रुप के कुछ ऑर्का व्हेल के बिल्कुल सर के ऊपर एंड पेट के नीचे तैरने लगती है, ताकि व्हेल सांस लेने के लिए पानी के ऊपर भी ना जा पाए और बचकर भागने के लिए गहराई में डीप डाइव भी ना लगा पाए, जिससे कि कुछ ही समय बाद उस व्हेल का दम घुटने लगता है। अब इसी दौरान कुछ ऑर्काज लगातार व्हेल के पेट और चेहरे पर हमला करती रहती है और अल्टीमेटली 3 स्टेप्स में व्हेल इन सब हमलों के कारण ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाती है। और ठीक तभी एक ऑर्का सीधा उसके मुंह में एंटर करती है और उसकी सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट्स से भरी जीभ को खाना शुरू कर देती है, जिससे अल्टीमेटली व्हेल की मौत हो जाती है। और अगर अभी भी वो जिंदा बच जाती है ना, तो 4th स्टेप्स में सारी ऑर्काज मिलकर व्हेल को पलट देती है, ताकि व्हेल के लिए सरफेस पर जाकर सांस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। और हाँ, इस सिचुएशन में भी व्हेल का तड़प कर मरना तय है, जिसके बाद ऑर्कास का पूरा परिवार उस व्हेल को खाता है। लेकिन दोस्तों, इस ब्लू व्हेल के जीभ से भी ज्यादा उन्हें पसंद है शार्क का लिवर। तो दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क, जो अपने नुकीले दांत और शिकारी बिहेवियर के लिए मशहूर है, उसका बाइटिंग फोर्स 4000 PSI तक हो सकता है, जिसकी मदद से ये आसानी से अपने शिकार की हड्डियों तक को तोड़ सकती है। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो कि ऑर्कास का बाइटिंग फोर्स कितना होता होगा? वेल, ये है 19,000 PSI, यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा। अब इनका डर शार्क्स के अंदर इस तरह बैठा हुआ है कि जिस जगह उन्हें ऑर्कास दिख जाती है, उसके आसपास ये पूरे 1 साल तक भटकती भी नहीं है, क्योंकि ऑर्कास के कुछ सबसे फेवरेट फूड में से एक है शार्क लिवर, जिसे वो जिंदा शार्क के पेट को काटकर निकालती है। तो सबसे पहले ऑर्कास का ग्रुप मिलकर ग्रेट व्हाइट शार्क को घेरता है और फिर शार्क को पानी में अपसाइड डाउन करके नीचे गहराई की ओर डुबाने लगती है। इस दौरान जब शार्क पूरी तरह अपनी मदद करने में नाकामयाब रहती है ना, तभी अपने नुकीले दांत से जिंदा शार्क के पेट में एक स्मॉल कट मारती है और झट से लीवर को बाहर निकाल कर खा जाती है। एंड ऑफ कोर्स, इस समय तक शार्क मर चुकी होती है। तो दोस्तों, रिसेंटली ना BBC द्वारा अटलांटिक में रहने वाली ऑर्कास की इनक्रेडिबल हंटिंग स्ट्रेटजी का एक वीडियो पब्लिक किया गया, जिसमें ऑर्कास का एक फैमिली मिलकर एक बड़ी सी आइस सीट पर बीचों बीच बैठे सील का शिकार करते हैं, जिसको शुरू में देखने पर लगता है ना कि इस तक इन ऑर्कास का पहुंचना नामुमकिन है। बट एज आई सेड बिफोर कि ऑर्कास काफी ज्यादा इंटेलिजेंट जीव है, जिनके इंटेलिजेंस इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये पहले यहाँ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक प्लान बनाते हैं एंड फिर उसे एग्जीक्यूट करते हुए पहले तेजी से बर्फ के नीचे से स्विम करते हुए जाकर उस पर ऊपर की ओर तेज पुश करते हैं, जिससे आइस शीट ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। लेकिन अभी भी सील एक छोटे बर्फ के टुकड़े पर सेफ बैठा था, लेकिन अब ये ऑर्कास गहराई में जाते हुए वेव्स बनाती है, जिससे ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा काफी तेजी से हिलता है और सील नीचे पानी में गिर जाती है। अब इससे पहले कि सील वापस उठकर भाग पाए, उससे पहले ये ऑर्कास उसके चारों ओर बबल्स बनाने लगते हैं, जिससे सील कंफ्यूजन में रहती है और इसी दौरान अटैक शुरू कर देते हैं और फाइनली सील शिकार बन जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी बड़ी शिकारी ऑर्काज, जिन्हें किलर वेल्स भी कहा जाता है, असल में ये कभी हम इंसानों की तरह जमीन पर रहा करते थे? और ये ऑर्काज मछलियों के नहीं बल्कि हिप्पोपोटामस के बिरादरी के। जी हाँ, वही हिप्पोपोटामस जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, और आज ये कुछ ऐसा भद्दा सा लगता है। पर आखिर ये मछली इन हिप्पोपोटामस की कैटेगरी का कैसे हो सकता है? वेल, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज जिन ऑर्कास को हम पानी में तैरते हुए बिगेस्ट प्रेडेटर के रूप में देख रहे हैं ना, आज से 50 मिलियन साल पहले वही जीव 4 पैर और पूंछ के साथ समुद्र के किनारे रहा करते थे, जहां ये किनारे पर मछलियों और अदर सी एनिमल्स का शिकार करके खाते थे और समय समय पर भूख मिटाने के लिए समुद्र में डीप डाइव भी लगा लिया करते थे।
एंड उनकी इसी हैबिट के चलते अराउंड 10 बिलियन साल पहले उनके शरीर में एवोल्यूशन से चेंजेस शुरू हो गए और उनके पैर मछली के फिन्स में बदलते गए और आज के समय में ये पूरी तरह से एक समुद्री जीव बन चुके हैं, जिनके इस एवोल्यूशन के बचे हुए प्रूफ हमें इन ऑर्कास के आगे के फिन्स में आज भी देखने को मिलते हैं, जहां आज भी दो छोटे छोटे पैर और उंगलियां देखने को मिल जाती है। अब इनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें से कुछ जीव जमीन पर ही रह गए और वो आगे जाकर इवॉल्व हुए और आज हिप्पोपोटामस बन चुके हैं। वैसे समुद्र में रहने वाले दूसरे मैमल्स जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन भी इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं। साल 1987 में नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में रिसर्चर्स ने देखा कि एक फीमेल ऑर्का डेड सैल्मन मछली को अपने नाक के अराउंड पहने हुए तैर रही है, मानो ये उसके लिए एक फैशन सा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इसके कुछ ही दिनों बाद ही इस रीजन में रहने वाली दूसरी ऑर्काज ने भी इसी तरह की दूसरी छोटी मछलियों को मारकर उन्हें अपने चेहरे पर सजाना शुरू कर दिया, मानो वो सब इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हो। ये सब कई हफ्तों तक चला, जो इन सेल्फ अवेयर एनिमल्स के बीच होने वाले कल्चरल एक्सचेंज को दिखाता है। ऑल्सो ऑर्काज इतने ताकतवर शिकारी होने के बावजूद भी मोस्टली अपने परिवार के साथ मिलकर ही शिकार करते हैं, जिनकी फैमिली यूनिट को वैज्ञानिकों ने पॉड नाम दिया है। ऑलमोस्ट सभी ऑर्काज किसी न किसी पॉड का हिस्सा होते ही है, जिनके ये पॉड्स भी बिल्कुल हम इंसानों के परिवार की तरह ही होते हैं, जहां पर पॉड में कुछ ओल्डर फीमेल और ओल्डर मेल्स के साथ साथ कई छोटे यंग ऑर्काज होते हैं। जहां पॉड यानी कि परिवार के बड़े शिकार करते हैं, तो वहीं पर यंग ऑर्काज अपने बड़ों को शिकार करते हुए देखते हैं और सीखते रहते हैं। साल 1985, अर्जेंटीना कोस्ट के पास मौजूद ऑर्कास की हंटिंग का एक नया तरीका देखा गया, जहां तेज लहरों के साथ अडल्ट फीमेल ऑर्कास तेजी से बीच के किनारे तक आती है और वहां बैठे सी लायंस को अपने मुंह में दबाकर अपनी सर और पूंछ को फिन्स के साथ ऊपर उठाते हुए वापस लहरों के जरिए अंदर डीप वाटर में चली जाती है, जहां पर वो उस फूड को अपने परिवार यानी कि पॉड के साथ मिलकर खाते हैं। अब ये तकनीक इन ऑर्कास के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, जिनमें अगर इनका अनुमान गलत निकला तो ये बीच पर फंस कर मारी भी जा सकती है। यही कारण है कि इस बीच के अराउंड मौजूद 30 ऑर्कास में से केवल 13 ऑर्कास ही इस हंटिंग टेक्निक को मास्टर कर पाई है। इसके अलावा दोस्तों, टाइम टू टाइम वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहाँ पर दूसरी अडल्ट फीमेल ऑर्कास काफी पेशेंस से यंग बेबी ऑर्कास को ये टेक्निक सिखाती है, जिसमें कई बार वो किनारों पर तैरता पेड़ का तना या झाड़ियां भी ट्रेनिंग के लिए प्रयोग करती है। काफी समय की ट्रेनिंग के बाद जब ये यंग ऑर्कास अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार होती है ना, तब भी ये फीमेल ऑर्कास इन्हें उनके शुरुआती शिकार में असिस्ट करती है। तो दोस्तों, ऑर्कास के हर पॉड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और समुद्र के अलग अलग हिस्से में रहने वाले इन ऑर्का पॉड्स का कल्चर, लैंग्वेज, डाइट एंड इवन बिहेवियर सब एक दूसरे से काफी अलग होता है। बिल्कुल हम इंसानों की तरह, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज में रहने वाले हम इंसानों के बीच कल्चर, फूड एंड इवन स्किन कलर्स का डिफरेंस होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, दो तरह के ऑर्का फैमिली पॉड्स होते हैं, रेसिडेंट एंड ट्रांजिएंट। रेसिडेंट पॉड्स एक फैमिली ग्रुप की तरह होते हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े सब अपने परिवार के साथ पूरी उम्र रहते हैं, सॉर्ट ऑफ इंडियन वाला कल्चर। अब रेसिडेंट पॉड्स ज्यादातर अपने एक स्पेसिफिक रीजन में ही रहते हैं और ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते। वैंकोवर आइलैंड साउथ वेस्ट कोस्ट के पास इस तरह के कई रेसिडेंट ऑर्का पॉड्स हैं, जो फिश एंड सील्स को खाते हैं एंड उनकी 90% डाइट चिनूक फिश होती है। वहीं पर दूसरी तरफ ट्रांजिट ऑर्का पॉड्स का फैमिली यूनिट इतना स्ट्रांग नहीं होता, जस्ट लाइक यूरोप या फिर अमेरिका की टिपिकल फैमिली। ट्रांजिट ऑर्कास ज्यादातर स्मॉल ग्रुप्स में एक बंजारों की जिंदगी जीते हैं और दूर दूर तक ट्रैवल करते रहते हैं। और अभी तक मैंने आपको ऑर्कास के हंटिंग के जो भी किस्से सुनाए हैं ना, वो इन्हीं के कारनामे हैं, जो समुद्र के किसी भी जीव का शिकार करने से नहीं डरते हैं। इनकी डाइट में मोस्टली सील्स, डॉल्फिन एंड अदर स्पीसीज की व्हेल्स होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रेसिडेंट एंड ट्रांजिएंट दोनों एक दूसरे के डिफरेंट कल्चर्स एंड हंटिंग हैबिट्स के कारण एक दूसरे को पसंद नहीं करते और शायद इस मामले में ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इनके जीन्स पर की गई स्टडीज के अकॉर्डिंग करीब 7,50,000 सालों से इनके बीच कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं पाया गया। तो वैसे तो ऑर्कास ह्यूमंस पर यूजुअली हमला नहीं करते, पर पिछले कुछ सालों
में ये चीज बदल रही है, क्योंकि साल 2020 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जहां पर ऑर्कास सीधा सीधा किसी बोट पर हमला करते हुए उसे तोड़ देती है। इस तरह के इंसिडेंट में 250 से ज्यादा बोट्स डैमेज हो चुकी है और इनमें से कई समुद्र में डूब भी चुकी है। वैसे इन सभी इंसिडेंट्स में किसी भी इंसान की जान अभी तक नहीं गई है, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि ऑर्कास इंटेंशनली केवल बोट्स को ही टारगेट करते हैं, मानो एक तरह का मैसेज दे रहे हो। पर अभी इन हमलों का एक्सपेक्ट रीजन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक फीमेल ऑर्का को भी आइडेंटिफाई किया है जो इन बोट्स पर हुए हमले पर शामिल थी एंड इवन उन्हें लीड कर रही थी। इस फीमेल ऑर्का को रिसर्चर्स ने व्हाइट ग्लैडिस नाम दिया है एंड गौर से देखने पर रिसर्चर्स को इसकी बॉडी पर कई फिशिंग नेट के निशान भी मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि इस ऑर्का का इंसानों के साथ एक बुरा और शायद पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो हो सकता है कि इस एक्सपीरियंस के चलते ये ऑर्कास अपनी दूसरी साथियों के साथ मिलकर इन बोट्स पर हमला कर रही है, और जैसा कि हमने देखा कि ये एक साथ ग्रुप में अपने मैसेज दूसरी ऑर्कास तक पहुंचाते हैं, शायद इसीलिए इन्हीं की देखा देखी दूसरी ऑर्कास भी अपने इलाकों में आने वाली बोट्स पर हमला कर रही है। वैसे मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऑर्कास के इन अटैक्स का असली कारण क्या हो सकता है। ऑल्सो क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी में सोवियत यूनियन डॉल्फिन एंड ऑर्कास को दूसरी कंट्रीज एंड इवन मिलिट्री शिप्स पर स्पाइंग के लिए यूज किया करता था। अब दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, जहां पर हम ऑर्कास के बारे में और ज्यादा डीप में जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।